टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। ये मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल सर्कल का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले एक काम करो, आप इमेजिन करो कि कोई बॉडी किस में घूम रही है, ना सर्कल बना लो, एक बड़ा सा सर्कल। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखना। तो मैं ये निकालना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पर कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम रही है और ये इसकी वेलोसिटीज़ हैं एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो ये वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ हैं एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। पहले मेरे को एक चीज़ का आंसर दे, जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती है, जैसे चलो एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, डेथ वेल, मौत का कुआं सर्कस में, स्टील का पूरा केज है, मोटरसाइकिल वाला आता है, गोल 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 घूम जाता है। ये बिल्कुल वही केस है। अब वही मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, ये मौत का कुआं है, और आपको ये बताना है कि ये जो बाइक वाला है कितनी वेलोसिटी से घूमेगा एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। आपको ये भी कोई क्वेश्चन हुआ कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, वो तो डिपेंड करता है उसने कितनी रेस थी, उसकी मर्जी वो 100 से घूमे, उसकी मर्जी वो 80 से घूमे, उसकी मर्जी वो 90 से घूमे। तो मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता, राइट? पर मैं ये तो कर सकता हूँ कि कितनी वेलोसिटी से जब वो नीचे आएगा, कितनी वेलोसिटी से लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करे, कितनी वेलोसिटी से मिनिमम वेलोसिटी से लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करे, ताकि वो कम से कम यहाँ तक तो पहुँच ही जाए। क्योंकि अगर वो यहाँ तक पहुँच पाया तो देखो उसको वापस आना पड़ेगा, उसका सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम वो एक सर्कल तो कंप्लीट कर ले। तो हाईएस्ट वेलोसिटी तो कहेगा 100 कर दूंगा, 200 कर दूंगा, 250, जो मर्जी करे, फिर तो पहुंच ही जाएगा। मुझे हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे कम से कम चाहिए कि बस वो यहां तक पहुंच जाए। अब कोई कहता है ठीक है, वो जो वेलोसिटी है उस मोटरसाइकिल वाले के लिए कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? मिनिमम वेलोसिटी। भाई इससे कम उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि इससे कम वेलोसिटी मत कर दियो, क्योंकि अगर तू इससे कम वेलोसिटी करेगा तो तेरा मोटरसाइकिल टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा नहीं और तो बिल्कुल नीचे गिरेगा। सही है? अब सेम चीज निकालनी है मुझे, मिनिमम वेलोसिटी फिर से निकालनी है एट हाईएस्ट पॉइंट। अब मुझे मिनिमम वेलोसिटी कहां निकालनी है? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, खुशी नहीं मना सकता कि ठीक है मैंने लोगों की बात मान ली, मिनिमम वेलोसिटी तो मैं पहुंच गया, अब मैं आराम से बाइक बंद करके ऊपर बैठ, ऐसे कैसे बैठ जाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर सीधा नीचे गिरेगा। उसको कुछ तो रेस टॉप मोस्ट पॉइंट पर देनी पड़ेगी, जीरो से काम नहीं चलेगा, जीरो से तो गारंटेड नीचे गिरेगा। तो कुछ तो उसको वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम देनी पड़ेगी ताकि वो बचा हुआ सर्कल भी पूरा कर ले। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं? मिनिमम वेलोसिटीज कहां पे? एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? अब इसमें क्या ये वेलोसिटी डिफरेंट होगी? हाँ, ये डिफरेंट होगी, क्योंकि नीचे वेलोसिटी तेज चाहिए तभी ये गेंद ग्रेविटी जाएगा, ऊपर वेलोसिटी कम चाहिए तो वो आगे निकल जाएगा। ये बात समझ में आती है? कोई डाउट इसमें? अब यहां पे कंफ्यूजन है एक, जो अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है मौत के कुएं में, वो कहता मेरी मर्जी, मैं नहीं जानता किसी फिजिक्स को, मैं तो जी 100 की स्पीड पर ही गाड़ी चलाऊंगा, क्या तो मिनिमम क्या तो मैक्सिमम, मेरी स्पीड चेक कर लेना, 100 100 100 ही रहेगी। वो मेरे पे डिपेंड करता है, कोई मेरे को थोड़ा सिखाएगा कि मैं नीचे इतनी वेलोसिटी ऊपर कम रखूं, तो मेरे को मत सिखाओ, मैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलूंगा। ऐसा भी केस आ सकता है, वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है ना। पर लेकिन मिनिमम वेलोसिटीज तो उसको फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर वो जो मर्जी फॉलो करे, उसकी मर्जी, बाइक जैसे मर्जी चलाए, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए, उसकी मर्जी है। पर उसकी दो वेलोसिटीज तो कम से कम उसको एक्वायर करनी ही पड़ेंगी, लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकि उसका एक चक्कर पूरा हो जाए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वैसी जैसे मैथ्स का पेपर है, तो किसी ने ये पूछा कि सर कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि मैं पास हो जाऊं बस, मैंने कहा 33। तो ये 33 की कहानी है, लोएस्ट और हाईएस्ट की, पास हो गया। उसके बाद अगर वो 50 पे चलाए, 90 स्कोर करे, 99 करे और 100 करे, कोई फर्क ना पड़ता, उसको कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हम किस केस को सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछने वाला इससे खेल जाएगा।
वो चालाकी यूज करेगा, कभी कभी यूज करेगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल में भी कांस्टेंट कर देगा, कभी कभी क्या करेगा यही केस यूज करेगा मिनिमम वेलोसिटीज निकालो, और कभी कभी कुछ भी रैंडम वेलोसिटीज कर देगा, नीचे अलग ऊपर अलग, तो लोग सोचेंगे शायद ये मिनिमम का केस है ना, हर बार मिनिमम का केस नहीं है, लेकिन जो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ वो मिनिमम का केस है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि हम क्या करने जा रहे हैं? तो मैं मिनिमम वेलोसिटी ढूंढने जा रहा हूँ एट लोएस्ट पॉइंट, ताकि बॉडी एक सर्कल पूरा कर ले। तो ये वेलोसिटी का नाम है वी एल, और ये वेलोसिटी क्या है वी एच, और ये वी एल और वी एच क्या वेलोसिटीज है? मिनिमम वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ताकि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि वी एल एंड वी एच का मतलब क्या है? वेलोसिटीज एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट टू, या मिनिमम लिख लेना, मिनिमम वेलोसिटीज एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। ये मिनिमम वर्ड लिखना जरूरी है, मिनिमम, ये सिर्फ वेलोसिटीज नहीं है, ये मिनिमम वेलोसिटीज हैं लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए काम करेंगे, इसमें ये रही रस्सी, ये सेंटर, ये रही स्ट्रिंग, ये सेंटर, ये सेंटर, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा करेंगे यहाँ पे वही ड्रॉ करेंगे, ये क्या है टी मैक्स, टेंशन सबसे ज़्यादा यहाँ होगी और टेंशन सबसे कम यहाँ पे होगी। तो ये ड्रॉ करेंगे जो पिछले डायग्राम में था, ये है टी मैक्स, टी मैक्स, ये है टी मिनिमम, और ये है टी मिनिमम, ये ड्रॉ करें। और मान लो जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका वेट, मान लो जो मास है उसका वेट है एम जी डाउनवर्ड्स, यहाँ पर भी जो ऊपर है, ऊपर भी वेट कहाँ करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी एंड एम जी, ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, एम जी एंड एम जी भी ड्रॉ करना पड़ेगा। एल रेडियस है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने एग्जाम्पल ली है एक पत्थर को या एक बाल्टी को, पानी की भरी हुई बाल्टी है, उसको वर्टिकल घुमा रहे हैं। तो किसी ने पूछा सर एक बात बताओ, मिनिमम वेलोसिटी क्या दूं बाल्टी को लोएस्ट पॉइंट पे, कि बाल्टी टॉप पे पहुंच जाए, ये निकालने जा रहा हूँ, और हाईएस्ट पे क्या रखूँ कि बाल्टी एक सर्कल कंप्लीट कर ले, तो ये क्वेश्चन है। तो ये इसलिए मैंने टेंशन ड्रॉ किया है इसमें। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एट लोएस्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पे देखो ये बॉडी किस में घूम रही है, इन अ सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल कहाँ एक्ट करती है? टुवर्ड्स सेंटर। बोलो लोएस्ट पॉइंट पर सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? ऑपोजिट कौन है? नेट फोर्स कहाँ होनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर, जो कि क्या होगी? टी मैक्स माइनस एम जी। तो टी मैक्स माइनस एम जी। एक बात बताओ, क्या एम जी भी टी मैक्स से बड़ा हो सकता है इसमें? चलो मान लिया किसी केस में एम जी बड़ा है टी मैक्स से, हाँ स्ट्रिंग ही टूट जाएगी या बाल्टी छूट जाएगी हाथ से, या स्ट्रिंग टूट जाएगी, घूमेगी नहीं, पक्की बात है। तो टी मैक्स को तो बड़ा होना पड़ेगा एम जी से। तो नेट फोर्स क्या है? टी मैक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की जगह वी एल, क्योंकि क्वेश्चन लोएस्ट पॉइंट पे है, और रेडियस की जगह एल। ठीक है, अब बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल फोर्स सेंटर की तरफ बोलो कितनी है? टी मिनिमम प्लस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय एल।
एम वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपेटल है फोर्स, सेंट्रीपेटल ही है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि मैंने मिनिमम का केस किया, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये कम से कम वेलोसिटी से नीचे उतरे, कि इससे कम अगर उतरा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, पत या ये बाल्टी नीचे गिर जाएगी या वो मौत के कुएं में चल नहीं पाएगा, कुछ ऐसा। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कम से कम हो, जो मुझे कैलकुलेट करनी है मिनिमम से मिनिमम हो। मैं वेट को तो चेंज कर नहीं सकता, तो टेंशन क्या चाहता हूँ, क्या हो, कम से कम हो, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कम होगा तो राइट हैंड साइड अपने आप कम होगा। टेंशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपको, कि मिनिमम 0.00000001 कुछ भी, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, हाँ तो उतना ही कर दो, क्योंकि अब इससे कम तो नहीं हो सकता ना, इससे कम तो टेंशन नहीं हो सकती। अब इमेजिन करो एक बाल्टी को ऊपर घुमा रहे हो और फॉर इंस्टेंट आप थोड़ा रिलैक्स करके नर्व, आपकी जो हाथ है ना रिलैक्स हो जाएंगे, देखो फिर तेज पकड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सबसे कम है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपने टेंशन को जीरो कर दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उसके बाद पकड़ना पड़ेगा आपको। तो उस केस में अगर ये इससे कम नहीं हो सकता तो फिर ये मिनिमम वेलोसिटी ही एक्वायर करेगा। तो आप टी मिनिमम को जीरो पुट कर दो, एम से एम क्या हो जाएगा कैंसल, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी वी एच स्क्वायर बाय एल, तो वी एच की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ जी एल। फॉर्मूला नोट करो, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी ताकि एक चक्कर पूरा हो जाए मस्ट बी इक्वल टू रूट जी एल। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टी मिनिमम प्लस एम जी टूवर्ड सेंटर है, इन दोनों का सम ही सेंट्रिपिटल है, यही सेंट्रिपिटल है, कर दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये कम से कम वैल्यू आए, कम से कम के लिए ये वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी, और टेंशन सी कम से कम वैल्यू जीरो ही होती है, इससे कम तो हो नहीं सकती। तो मैंने जीरो करके जो आंसर निकाला वो मिनिमम वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट, एक आंसर आ गया। तो मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लेना इसे, मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल। तो मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रूट जी एल, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करना है इसे, ठीक है। इसी में, इसी के अंदर फिर एक डायग्राम बनाओ, सेम फिर एक डायग्राम बनाओ, ये वेलोसिटी लिखो, ये जो वेलोसिटी है ये एट लोएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, और इसकी मिनिमम वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अंडर रूट ऑफ जी एल। ये जो डिस्टेंस है ये एल और एल है, एल और एल कॉन्टिन्यूड है, ये सारा लाइन नहीं है बीच में, ये एक ही एक्सप्रेशन चल रहा है पूरे, अभी नया एक्सप्रेशन नहीं है। जब पेपर में आएगा या स्कूल में आएगा कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, तो ये पूरा लिखना जो मैं बना रहा हूँ, पहले वाला भी और ये वाला, दो सर्कल बनेंगे। तो सेकंड सर्कल के अंदर आप इमेजिन करें कि आपको वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, वीएल, और हाईएस्ट की वेलोसिटी पता है, तो इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड मेरी मर्जी, तो मैंने यहाँ अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ ले लिया ग्राउंड, और मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट पॉइंट नंबर वन लिया और एक पॉइंट नंबर टू लिया, और मैं ये करने वाला हूँ पॉइंट नंबर टू पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम इक्वल टू पॉइंट नंबर वन पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम सेम, क्योंकि हमारा जो ये जो बॉडी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे मरीज, मज़े की बात है, ये ज़रूरी नहीं है, ग्रेविटी की बड़ी खास बात है, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा ही जाए तो ही एनर्जी कंजर्व होगी, जिस मर्जी रास्ते से जाए एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखती है, ये नहीं देखती कि तुम गए कैसे थे, सर्कल में गए थे कि सीधा गए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इस केस में वन और टू पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वन पे एंड टू पे विल रिमेन सेम। बताओ वन नंबर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है ग्राउंड के ऊपर? जीरो। काइनेटिक क्या है? हाफ एम, हाफ इंटू एम इंटू वी
एल का स्क्वायर, पोटेंशियल टू नंबर पॉइंट पे क्या है, एम जी इन टू टू एल, क्योंकि ग्राउंड से इसकी हाइट एल प्लस एल कितनी है टू एल, और काइनेटिक कितनी है हाफ एम वी एच का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहा है, पोटेंशियल यहाँ पर जीरो ग्राउंड है, काइनेटिक कितनी हाफ एम वी एल स्क्वायर, यहाँ पे पोटेंशियल एम जी इंटू टू एल, हाइट टू एल है, और काइनेटिक कितनी हाफ एम वी एल का वी एच का स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी एच है ना, तो काइनेटिक क्या बनेगी हाफ एम वी एच का स्क्वायर। तो एनर्जी कंजर्वेशन सर्कुलर मोशन में बहुत यूज होती है इस टाइप से, ज़्यादातर क्वेश्चन में सर्कुलर में याद रखना, जब एक वेलोसिटी गिवन और दूसरी निकालनी हो एनर्जी कंजर्वेशन से ही होगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो मतलब ये तो जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन अंदर से आता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन भी अंदर से आएगी, अभी बैठे बैठे एक वेलोसिटी गिवन है दूसरी निकल जाएगी अपने आप ही। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं लोग, तो इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करें तो हाफ इंटू एम इंटू वी एल तो मुझे निकालना है, इज इक्वल टू एम जी इंटू टू एल प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी एच, बोलो वी एच की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ जी एल का स्क्वायर, ठीक है ना, तो वी एच की जगह वैल्यू पुट कर ली कितनी अंडर रूट ऑफ जी एल। फिर उसके बाद हाफ एम या एम 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 क्या हो गया कैंसल, इसको तो हटा ही दो, एम तो चाहिए ही नहीं हमें। अब एक काम करते हैं, क्या बता बचा वी एल का स्क्वायर बाय टू टू जी एल प्लस ये अंडर रूट कट जाएगा जी एल बाई टू, टू एल सी एम ले लो, ये फोर जी एल प्लस जी एल हो जाएगा, वी एल का स्क्वायर फाइव जी एल हो जाएगा, या फिर वी एल अंडर रूट ऑफ फाइव जी एल हो जाएगा आंसर। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है एट लोएस्ट पॉइंट, ये सब क्लियर है, ये क्लियर है। वी एच की वैल्यू क्या निकाली थी, वी एच की वैल्यू निकाली थी रूट जी एल पुट कर दी, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी रूट जी एल, बस सॉल्व कर लिया, उसके बाद कुछ किया ही नहीं, सिंप्लीफाई एम 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 कैंसल, रूट जी एल का स्क्वायर जी एल होता है जी एल बाई टू, टू एल सी एम ले लिया आंसर, तो मैथ्स है वो अपना एलजेब्रा लगाया और वी एल और वी एच निकल गया। सही, पेपर में आएगा, स्कूल में आएगा, ये स्कूल लेवल वो है, कंपटीशन में तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, न्यूमेरिकल में एप्लीकेशंस हैं, बट डेरिवेशंस के अंदर ये एक पार्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। अब किसी ने मौत के कुएं में जाना हो मोटरसाइकिल चलाने, तुमने नहीं किसी ने जाना हो, तो तुम अपना कैलकुलेटर ले के बैठ जाना, बहुत से ये पूछ लेना भाई तुम्हें ऊपर जाना है ना, तू बता जो ग्लोब है पूरा उसका रेडियस क्या है, वो तुम्हें एल बता देगा रेडियस, तुम कैलकुलेटर लेके 5 इंटू जी इंटू एल करके अंडर रूट लेके बता देना, मान लो इसका आंसर 10 मीटर पर सेकेंड है तो बोल देना तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम 10 होनी चाहिए तो तू ऊपर पहुंचेगा, और ऊपर जाके कैलकुलेट करके बता देना अंडर रूट ऑफ जी एल तेरी वेलोसिटी रूट जी एल होनी चाहिए तो तू सर्कल कंप्लीट करेगा, नहीं तो पक्का तेरा शो फेल है, गिरेगा ही गिरेगा। और अगर कोई बाल्टी लेके पानी की घुमाना चाहे गोल पानी से भर के, और तुम चाहते हो कि बाल्टी भी सर्कल में घूमे और पानी भी ना गिरे, तो तुम्हें लोएस्ट पॉइंट पे इतनी ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी और हाईएस्ट पे रूट जी एल देना पड़ेगा ताकि बाल्टी पानी से भरी हुई गोल घूम सके, नहीं तो बाल्टी भी गिरेगी साथ में पानी भी गिरेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, सपोज जैसे मान लो मैं एक पानी की बाल्टी को घुमा रहा हूँ, ये पानी की बाल्टी है, ऐसे सर्कल में घूम रही है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है ऐसे। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने वेलोसिटी रूट फाइव जी एल इसको दी और वेलोसिटी यहाँ पर रूट जी एल दी तो ऑब्वियसली ये सर्कल में घूमेगा और पानी भी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। पर काफ़ी लोग सोचते हैं यार यहाँ पानी नीचे ना गिरे, बात समझ में आती है,
पर यहां पानी नीचे ना गिरे, ये कैसे हो सकता है? पानी नीचे गिरेगा गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि पानी पे कौन सी फोर्स लगेगी? सूडो फोर्स। बाल्टी पे कौन सी लगेगी? सेंट्रिपिटल फोर्स। बाल्टी सर्कल में घूम रही है तो इसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स है, पर पानी इस स्प्रिंग से अटैच नहीं है। पानी बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम सेंटर, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, जिससे कि पानी नीचे नहीं गिरेगा। पूछा जाता है पानी के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। बाल्टी पे कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रिपिटल। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें?